ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं ना, ये एशिया की इकलौती मस्जिद है जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड लगा हुआ है। ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे थे, मैंने दिखाई थी ना, यहाँ पर शहादत वाले लोग हैं, यहाँ पर जो आराम फरमा रहे हैं, 73 इनको बताया जाता है। और इनकी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको और डिटेल बता दूँ। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो मैं हूँ इस समय अलीगढ़ में और मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है, यानी गोल्ड लगा हुआ है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। कैन यू बिलीव इट, आप उस जगह को आज देखने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई मैं हूँ इस समय अलीगढ़ में और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये यहाँ का पुलिस, आप कोतवाली कह सकते हो। और जस्ट सामने जो देख रहे हैं ना, ये है जामा मस्जिद अलीगढ़ की। और इसकी जो कहानी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर, जिसको मैं दिखाने वाला हूँ और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितनी जगह जो है ना, काफ़ी जो है इतना क्राउड है यहाँ, यानी एक तरह से यहाँ जाम रहता है। सेम इसी तरीके से जैसे दिल्ली का जामा मस्जिद है। और ये रास्ता है और यहाँ से जो हम जा रहे हैं ना, वो जामा मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, बहुत ही क्राउड है। और एक्चुअल में इसे आप ये कह सकते हो, इसके तीन साइड जो है ना, वो जो है इससे बाजार ही बाजार लगती है। देखो तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये जामा मस्जिद के जस्ट सामने की जगह है। और ये जो आप कोतवाली देख रहे हैं, ये पहले कभी यहाँ घोड़ों का, कहते हैं ना, घोड़े की बांधने वाली जगह हुआ करती थी, लेकिन आज तो यहाँ पर जो है कोतवाली है। तो अभी हम चल रहे हैं मस्जिद में, और मैं जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इस समय टाइम जो हो रहा है लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है। और सेम इसकी जो, अगर अब मैं इसके गेट की बात करूँ, तो इस समय वाइट कलर है और नीचे जो है संगमरमर पत्थर का यूज़ हुआ है। और ये क्यों यूज़ हुआ है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और सेम यहाँ का एंट्रेंस ऐसी है जैसे दिल्ली का जामा मस्जिद है, इसी तरह का लुक आप देख सकते हो। तो एक मैं सिनेमैटिक सीन दिखाता हूँ आपको। भाई मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, संगम पत्थर का वाइट पत्थर है। और ये पत्थर इसलिए है क्योंकि जिस आपको बताऊंगा, इंसान ने ताजमहल का जो डिज़ाइन तैयार किया था, उन्हीं के पोते ने इस जामा मस्जिद का डिज़ाइन तैयार किया था। इसलिए आपको यहाँ पर जो झलक दिखाई देगी ना पत्थरों की, वो ताजमहल वाले संगमरमर पत्थर की झलक दिखाई देगी। ये जो आप देख रहे हो जामा मस्जिद है, इसका ये डिज़ाइन देखिए। और यहाँ की जो कहानी है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। और जब आप अलीगढ़ आओगे ना, तो आसपास से आपको ये महसूस होगा कि यार ये अलीगढ़ के बीचों बीच जो मस्जिद है ना, इतनी बड़ी मस्जिद कैसे हो सकती है। तो ये जो है वज़ू खाना है, जो काफ़ी ओल्ड है, यानी यहाँ लोग वज़ू करते हैं। मैं इससे पहले यहाँ की एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। आपको पता होगा जब 1857 में क्रांति आई थी और वो जो आज़ादी का एक कैंपेन निकला था, तो इस समय इस मस्जिद के अंदर, यानी भारत के अंदर पहली मस्जिद है जिसके अंदर 73 लोग शहीद हो गए थे अपने देश के लिए। और सबकी जो बताते हैं कि यहाँ पर जो है कब्रें हैं, मतलब कब्रें का सीन क्या है कि पहले जगह की शॉर्टेज थी, तो यहाँ पर इस जगह को जो है शहीद वाली जगह बताया जाता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो हज़रत मौलाना अब्दुल जलील शहीद का तारुफ, इनके बारे पढ़ सकते हो कि ये जो थे हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब जो थे, ये जामा मस्जिद के इमाम थे, यानी पेश इमाम थे। यहीं पर इनका हलका हुआ करता था और अंग्रेज़ों की इन्होंने मुखालफत करी थी। देखो यहाँ पढ़ सकते हो, अंग्रेज़ भी मुलाकात करने आते थे, ये इनका यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस था। और ये बात थी लगभग 2 जुलाई 1857 को, अलीगढ़ के 1500 के करीब मुजाहिदीन आज़ादी ने जमा होकर मंडराक में, जहाँ अंग्रेज़ अफसरान मुकीम थे, वहाँ पर मुकाबला हुआ। यानी कम से कम 1500 से 2000 लोग थे जिन्होंने कैंपेन चलाया था आज़ादी के लिए, और उसमें से 73 लोग जो शहीद हो गए, उनका यहाँ पर जो आप देखोगे जगह, सब वो लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और मैं डिटेल ये कर देता हूँ, मैं कैप्चर कर देता हूँ इसको, आप जो है पॉज करके आसानी से इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। ये देखिए, तो ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये भारत नहीं, एशिया के अंदर पहली मस्जिद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी सिक्योरिटी सिर्फ अल्लाह करता है, गॉड सुप्रीम पावर क्रिएटर करता है, कोई नहीं करता। अमूमन तौर पे क्या होता है कि गोल्ड की सिक्योरिटी के लिए आपको पता है कितने सारे जो है सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बट ये पहली मस्जिद है। गोल्ड कहाँ है मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये पहली मस्जिद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग
आराम फरमा रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कैंपेन चलाया था। 73 लोग यहाँ पर जो है आराम कर रहे हैं, शहीद में। साथ ही साथ केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, जब आप देखते होंगे तो इसमें यह सवाल पूछा गया था कि एशिया में ऐसी कौन सी धर्म की जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड है, तो उसका आंसर क्या था, अलीगढ़ जामा मस्जिद। अभी मैं आपको यहाँ का गोल्ड दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले आप सिनेमेटिक सीन देखिए। तो जब आप अलीगढ़ जामा मस्जिद में आते हो ना, और इसके लुक को देखते हो, यानी स्पेशली इसकी गुम्बद देखते हो जो गुम्बद बनी हुई है, तो आप ये कहते हो यार आपको उम्मीद नहीं होती कि जामा मस्जिद इतनी बड़ी हो सकती है और इतनी चौड़ी हो सकती है। अभी मैं आपको पुराने टाइम का कुआं दिखाता हूँ, जो यहाँ पर कुआं होता था वो आज भी है, पहले बड़ा था बट अब छोटा कर दिया है। तो वो जो है जस्ट यहाँ पर ये वजू खाना है उसी के पास है। तो ये वजू खाना है जो आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है ये कुआं है। देखो अब तो ये छोटा है पर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। तो अभी तो मैंने आपको दिखाया था कुआं, अब मैं दिखाने वाला हूँ गोल्ड। तो ये जो आप गोल्ड देख रहे हैं ना, ये जो गुम्बद देख रहे हैं और गुम्बद के ऊपर जो गोल्ड देख रहे हैं, ये देख सकते हैं ये गोल्ड है। और बताया जाता है कि 600 किलो यानी अंदाजन 6 कुंतल यहाँ पर गोल्ड है, और कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ खुदा अल्लाह इसका जो है सिक्योरिटी करता है। तो ये आप जो गुम्बद देख रहे हैं ना, इस पे जो गोल्ड लगा हुआ है, ये वाली जो बीच वाली गुम्बद देख रहे हैं, बताते हैं कि इस पे जो गोल्ड है ना, ये ठोस गोल्ड है, यानी खाली परत नहीं है, गोल्ड है ये। और ये जो पूरी गुम्बद की बात करूँ तो ये 17 गुम्बद बताई जाती हैं। 17 गुम्बद में जहाँ बड़ी वाली गुम्बद हो गई, ये वाली गुम्बद हो गई, साथ में ये वाली जो गुम्बद देख रहे हैं ना, ये भी गुम्बद है। ये इस पे जो गोल्ड की परत हुआ करती थी, बट अब ये पीतल में हो गई, क्योंकि इसे जो अंग्रेज अपने टाइम में ले गए थे। तो इस तरह कुल मिलाकर के यहाँ जो है 17 गुम्बद ये बोली जाती है, इस तरह गुम्बद, ये गुम्बद, ये गुम्बद, ये आप इसका देख सकते हो। अगर मैं इस मस्जिद के डिज़ाइन की बात करूँ तो आपको हल्का हल्का ये फील हो रहा फ़र्श है कि जैसे ताजमहल के आप फर्श पर चल रहे हो। इसकी वजह क्या है, जिसने ताजमहल के डिज़ाइन को तैयार किया था, उन्हीं के पोते ने इस मस्जिद के डिज़ाइन को जो है तैयार किया था, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे वाइट संगमरमर पत्थर का ये यूज़ हुआ हुआ है। ऊपर जो गुम्बद देख रहे हैं, जो गोल्ड लगा हुआ है, ये बहुत जो है साफ दिखाई देता है, और स्पेशली बीच वाले जो गुम्बद है उस पर जो गोल्ड लगा हुआ है वो ठोस वाला गोल्ड लगा हुआ है। तो ये यहाँ का कोर्ट यार्ड है जो आप देख सकते हो, ये मस्जिद है, यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। ये वजू खाना है और यहाँ से इसकी मेन एंट्री है जहाँ से एंट्री करते हो। हालांकि दो तीन एंट्री हो रहे हैं, एक इधर से भी एंट्री है, इधर से भी एंट्री है, बट मेन एंट्री है, एक एंट्री है, एक ये है, एक ये है। ये जो है आपको बताया, जिस भी मस्जिद में जाते हो तो बच्चों के मदरसों के लिए यहाँ पर जो है पढ़ाई की जाती है, यानी स्कूलिंग कह सकते हो आप, उर्दू स्कूलिंग। तो अभी मैं ना आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, आपको देखने में नमाज का टाइम होने वाला है, और यहाँ पर मतलब फर्श ना बहुत ही शानदार लग रहा है, आप खुद कैमरे में देख सकते हो। पर जो नमाज है 4:22 पे है, तो मैं अभी आपको अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूं। तो मैं ये दिखा रहा था, ये जो बीच वाला आप देख रहे हो ना सेंटर गुम्बद के नीचे, ये जो पेंटिंग है ना, ये ओरिजिनल पेंटिंग है, यानी 350 साल से इसको कोई चेंज ही नहीं कर पाया। तो ये उस समय का आप डिज़ाइन देख सकते हो। एक्चुअली क्या है, नमाज का टाइम है इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, ये देखिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि वहाँ पर जो है नमाज होने वाली है। ये बाहर का लुक देखिए कितना प्यारा लगता है। वो जो जगह है जहाँ पर मैंने कहा 73 लोग जो है शहीद हुए, उनकी जगह है जहाँ बताया जाता है। हिस्ट्री ये है कि यहाँ के जो इमाम साहब हुआ करते थे, इन्होंने कैंपेन तैयार कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में देश की आज़ादी के लिए। तो ये लड़ाई जो हाथरस से शुरू हुई थी, ये लोग यहाँ पर शहीद नहीं हुए थे, शहीद दूसरी जगह हुए थे, फिर बाद में इनको यहाँ पर जाकर जो दफन किया गया था। और एक बात बताऊँ आपको, मुझे अभी तक ये लगता था कि जो स्वर्ण मंदिर है ना, वहाँ पर ही सिर्फ गोल्ड लगा हुआ है, बट आई केम टू नो वाई सोशल मीडिया, कुछ दिन पहले पता चला कि ये जो है एशिया की मस्जिद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड लगवा है। तो मेरे अंदर क्यूरियसिटी थी इसको देखने की, तो आई केम हियर टुडे, आज मैं आया
और मैंने इस मस्जिद को देखा, जितना मैंने सुन रखा था उससे ज़्यादा ये माशाल्लाह मस्जिद बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रीसियस मस्जिद है ये, और इसकी हिस्ट्री और स्पेशली इसका जो पत्थर है ना संगमरमर का बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं मस्जिद के बाहर आ चुका हूँ, बहुत ही अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस था और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। स्पेशली मुझे इसके बारे में 3 से 4 दिन पहले ही पता चला, और एक्चुअली क्यों पता चला कि जब मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन सवाल कर रहे थे, जब मुझे पता चला कि यार ये वाकई में मतलब यार ये पहली मस्जिद एशिया के अंदर, क्योंकि अभी बताओ गल्फ़ में मैं जब सऊदी अरब गया था तो मैंने अबू धाबी में आपको द ग्रैंड मस्जिद दिखाई थी, तो नो डाउट वहाँ तो सोना है बट वो गल्फ़ में आती है, बट ये एशिया में पहली मस्जिद है। और ये जो सोना है ये 1857 के आसपास का लगा हुआ है, और ये बात और भी बढ़ जाती है जब पता चलता है कि इस मस्जिद के अंदर जो बताते हैं 73 लोग जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी कर दी। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। अब मैं इस स्टोरी का एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक का पेज है हमारा अरबाज ब्लॉग का, अगर फेसबुक को देख रहे हो तो यूट्यूब पर चैनल है अरबाज ब्लॉग के नाम से, दोनों जगह आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।